मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुभाष अधारी। आज का जो वीडियो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़ के बारे में कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था और इस साल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ये मेरा वीडियो नंबर 4 है। मैंने इससे पहले वीडियो नंबर 1, 2, 3 अपलोड कर चुका हूँ। जो वीडियो नंबर आपका पहला था वो था श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलाई का था। सेकेंड आपका था रिम्स रायपुर था। थर्ड था आपका अंबिकापुर। आज का जो वीडियो है आपका वीडियो नंबर 4 जो है रायगढ़ के बारे में। देखिए, लेट श्री लखीराम अग्रवाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़ ही सेम एक ही कॉलेज है, केवल नाम कॉलेज चेंज किया हुआ है। पहले इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़ बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं इसको, लेट श्री लखीराम अग्रवाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़। ठीक है, अगर रायगढ़ कहाँ पास है तो छत्तीसगढ़ के मैप में देखोगे तो वो है आपके नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ये है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें, हम उस कमेंट का आंसर देंगे। ठीक है, ये है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, अगर यहाँ पास मैं MBBS सीट की बात करूँ तो यहाँ पास सीट है MBBS का 60। पहले सीट 50 था, अभी सीट क्या है 10 सीट बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, 60 हो गया है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में सभी मेडिकल कॉलेज का सीट इंक्रीज हो रहा है। सिम्स बिलासपुर ने भी अप्लाई किया था कि वहाँ पर जो 180 सीट है उसको 200 किया जाए। तो आप यह देख रहे हैं कि आने वाले सालों में हमारे यहाँ जो है GMC इंक्रीज होंगे। ठीक है, GMC जो है सीट इंक्रीज़ होगा तो सीटें भी इंक्रीज़ होगा, और जो कॉलेज पहले से चल रहे हैं उस कॉलेज का सीट भी इंक्रीज़ होगा। तो आने वाले सालों में हमें 400 सीट हमको MBBS का सीट मिल सकता है। ठीक है, 400 सीट इंक्रीज़ हो सकता है। तो इन 60 सीटों को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो सीट होता है उसको ले जाता है ऑल इंडिया कोटा। इसका काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा करता है जो 15% सीटों का करता है। अगर हम 60 में से अगर 50% सीट निकालें तो 9 सीट ऐसे होते हैं जिसका काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा से होता है, और जो बच गया सीट है उसको करता है कौन, आपका स्टेट कोटा। तो स्टेट कोटा कितना करता है, 85% सीटों का। तो 60 में से 9 सीट आपका ऑल इंडिया कोटा में चला गया, तो बचा सीट आपका 51 जो आपका चला गया कहाँ, स्टेट कोटा में। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हो वो स्टूडेंट है ऑल इंडियन स्टूडेंट्स। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इस सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस सीटों में कौन कर सकते हैं, ऑल छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये है। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ मार्क्स का, तो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ मार्क्स गया था उस कट ऑफ मार्क्स को यहाँ पास मैं शो कर दिया हूँ। सेम इस बार कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है उसको भी मैं यहाँ पास शो कर दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं जनरल का जो कट ऑफ था 569 था, इस बार 565। यहाँ पास जो है आपका OBC का था 563, इस बार का 560। EWS का 521, इस बार 520। इसी तरह ST का 350 जा सकता है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर 350 में मिल जाएगा कि 340 मार्क्स की हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मॉप ऑफ राउंड होता है जहां पास आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहां पास अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो वहां पास आपका एडमिशन हो सकता है। आपको लास्ट दिन तक ट्राई करना है GMC के लिए। ठीक है, ये है। तो आज का वीडियो यहीं तक का। थैंक यू वेरी मच।